गुड मॉर्निंग कलीसिया, आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशनल मैसेज में। और आज हम लुका का 8वां अध्याय वचन 50 को पढ़ेंगे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। एक मनुष्य होने के नाते हम डर सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम डर में अपना जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे बाइबल में 366 बार मत डर यह शब्द लिखा है। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा लिखा है, यह हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने अपने शब्दों में, अपने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने विश्वासियों को डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य की और संयम की आत्मा दी है। जब हम लूक अध्याय 8 वचन 40 से 52 को 56 तक जब हम पढ़ते हैं, तब हमें यह देखने आता है कि यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो मृत्यु और निराशा के बीच में है। और वचन 40 को जब हम पढ़ते हैं तो वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। 41 में, और देखो याइर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पाँव पर गिर के उससे विनती करने लगा, मेरे घर चल। 42 में, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़े थे। हम देखते हैं इन पंक्तियों में कि यीशु मसीह के पास याइर नाम का एक सरदार आता है, आराधनालय का सरदार, और उसकी इकलौती बेटी जो बीमार है, जो मरने की कगार पर है, और यीशु मसीह से विनती करता है कि प्रभु जी आप मेरे घर पे चलिए कि मेरी बेटी बच जाएगी। वो कुछ उम्मीद से प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह के पास आते हैं तो परिस्थिति उनकी उम्मीदों पर मानो पानी फेर देती है, परिस्थिति और कठिन हो जाती है। और यह हमें पढ़ने मिलता है वचन 49 में इस प्रकार से लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख न दे। जैसे ही उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया या यीशु मसीह पर भरोसा किया कि प्रभु मेरे बेटी को बचा सकते हैं, वैसे ही परिस्थिति उस पर हावी हो गई। और ऐसे में हमारे जीवन में हो सकता है, जब हम किसी चीज़ के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु जी आप इस परिस्थिति को बदलिए, और जैसे हम विश्वास करने लगते हैं कि परमेश्वर, वैसे ही शैतान परिस्थितियों के तीर हमारी ओर फेंकते हैं। और शैतान चाहता है कि हमारा ध्यान भटक जाए, शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, उस विश्वास से हम भटक जाए। याद है पतरस की कहानी, जब तक पतरस यीशु मसीह की ओर देख रहा था तब तक वह पानी पर चल रहा था, और जैसे ही उसने यीशु मसीह पर से ध्यान हटाकर आंधियों की ओर ध्यान लगाया, वैसे ही वह डूबने लगा। और ऐसे में हमारे जीवन के लिए हो सकता है, जैसे ही हम परमेश्वर की ओर से अपना ध्यान हटाकर परिस्थितियों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, वैसे ही मानो शैतान अलग अलग तीर हमारे जीवन में फेंकने लगता है। और एक विश्वासी होने के नाते हमारा यह रोज़मर्रा के जीवन का यह काम है कि हम परमेश्वर के वचनों को या परमेश्वर के मुख को हर रोज़ देखते रहें। और हम कैसे देख सकते हैं, यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 1-3 तक, आदि में वचन था। और देखते हैं हम यहाँ पर कि यीशु मसीह का जवाब क्या है। अध्याय 8 वचन 50 में यीशु मसीह कहते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। और यह शब्द वही इंसान कह सकता है जिसने डर को हराया है। और डर को किसने हराया है? यीशु मसीह ने क्रूस पर डर को हराया है। और सेम प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहे हैं, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, मत डरो, केवल विश्वास करो, मैं उस परिस्थिति को बदलने जा रहा हूँ। आज चाहे मैं किसी भी बीमारी से जूझ रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मत डर, केवल विश्वास कर, मैं तुझे चंगाई देने जा रहा हूँ। आज मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है या कोई तकलीफ हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे मत डर, केवल विश्वास कर, मैं तुझे आशीषित करने जा रहा हूँ। और जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं और परिस्थितियों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते या परिस्थितियों की ओर हम नहीं देखते, तब उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम हम देखते हैं वचन 55 में, तब उसके प्राण फिर आ गए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि
उसे कुछ खाने को दिया जाए। यह परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन के लिए। याइर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, वह यीशु मसीह के पास आया। परिस्थिति उसके ऊपर हावी हो गई कि 101 से एक व्यक्ति आके उससे कहता है कि प्रभु को दुख ना दे, तेरी बेटी मर चुकी है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख, वह जीवित हो जाएगी, वह बच जाएगी। और यही सेम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा हूँ। मुझे याद है समीर की बात, जो समीर ने कही थी कि प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन को हिला देती है। आमीन।